इंडोफिल M45 इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का उत्पाद है, जिसमें होता है मैनकोजेब 75% WP। ये एक कॉन्टैक्ट फंजिसाइड है और ये बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग होने वाला फंजिसाइड है और ये हमारे पेड़ पौधों और फसलों को विभिन्न बीमारियों से, जो फफूंदी जनित बीमारियां होती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है। सब बताएंगे दोस्तों, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सारी बीमारियों, जो फफूंदी जनित बीमारियां हैं, इनसे ये प्रोटेक्ट करता है। और दोस्तों, ये जो हमारे पौधे होते हैं, ये पत्ते के ऊपरी भाग और पत्ते के निचले भाग, ये दोनों में हमारी जो बीमारियां हैं, इनसे सुरक्षा प्रदान करता है। और दोस्तों, अब आपको इसकी मात्रा बता देते हैं। जो इसकी मात्रा है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए और इसमें करीब 200 लीटर पानी लगता है। तो एक एकड़ में 500 ग्राम ये इंडोफिल M45 लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। और ये अगर हम प्रति लीटर के हिसाब से बताएं तो ये एक लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम हम यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो असर होता है, यदि हमारा मौसम सही है तो ये 7 से 10 दिन का असर प्रदान करता है, यानी कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं ये उनको बीमारियों से बचाए रखता है, जो फफूंदी जनित बीमारियां होती हैं। अगर फंगस आ गई है तो हम इसमें कोई दूसरा फंजीसाइड भी मिला लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। यदि फंगस बीमारी आ गई है तो उसमें कोई दूसरी हमें फंजीसाइड मिलानी पड़ेगी, जैसे आता है कार्बोनाजिम 50%। और दोस्तों, यदि हमारी आलू की फसल है और उसमें कोई बीमारी आ गई है तो हमें उसमें मेटल एक्सेल मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों, अब आपको ये बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी फंजीसाइड मिला सकते हैं या दवाएं मिला सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर दवाई हम मिला सकते हैं, और ये जो चूने से निर्मित होने वाली दवाएं हैं, जैसे बोर्डो मिक्सचर होता है या चूने वाला सल्फर होता है, इससे हमें बचना चाहिए। यदि हम इसमें मिलाते हैं तो ये फट जाता है। और दोस्तों, किसी भी दवाई को मिलाने से पहले हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा मात्रा में मिलाकर देख लें, ताकि हमें बाद में नुकसान उठाना ना पड़े। तो दोस्तों, इस प्रकार इंडोफिल M45 का प्रयोग करके आप अपनी फसलों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।